आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड। नो लोड में एक प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर कैसे वर्क करता है। ओके, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड। यहां पे हम लोग वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस को भी कंसीडर किया। पिछले वीडियो में हम लोग बताए थे वाइंडिंग रेजिस्टेंस क्या होता है एंड लीकेज रिएक्टेंस क्या होता है। यहां पे मैंने एक ट्रांसफॉर्मर का सिंपल सा डायग्राम लिए। यहां पे सेकेंडरी को ओपन सर्किट रखा क्योंकि नो लोड कंडीशन है। सो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर है, इसके लिए यहां पे लीकेज रिएक्टेंस रहेगा। ओके, एंड वाइंडिंग रेजिस्टेंस भी रहेगा। अब सेकेंडरी टर्मिनल ओपन सर्किटेड नो लोड कंडीशन में हम लोग ट्रांसफॉर्मर ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इसलिए इस वजह से नो लोड कंडीशन है, मतलब सेकेंडरी लोडेड नहीं है। सो आई टू का वैल्यू कितना होगा? जीरो होगा सेकेंडरी करंट। सो जैसे कि हम लोग बताए थे कि नो लोड कंडीशन में आई वन इक्वल टू आई नॉट होता है। सो आई नॉट क्या है? नो लोड करंट। I नॉट का दो कंपोनेंट होता है, एक कंपोनेंट है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट एंड एक कंपोनेंट है जिसको हम लोग बोलेंगे कोल लॉस कंपोनेंट। ओके, सो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट को आई म्यू और आई एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कोल लॉस कंपोनेंट को हम लोग आई डब्ल्यू और आई सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ ए प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड कंडीशन। सो यहां पे वोल्टेज मैंने कनेक्ट अप्लाइड वोल्टेज V1 दैट इज द प्राइमरी वोल्टेज, R1 इज द वाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑन द प्राइमरी साइड, X1 इज द लीकेज रिएक्टेंस ऑन द प्राइमरी साइड, I नॉट इज द नो लोड करंट, आईसी क्या है? कोल लॉस कंपोनेंट, और इसको हम लोग बोलेंगे और इसको हम लोग IW से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग कोल लॉस कंपोनेंट ऑफ आई नॉट एंड वर्किंग कंपोनेंट भी बोलते हैं, इसलिए इसको IW से भी रिप्रेजेंट करते हैं। RC इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कोर, XM इज द इंडक्टेंस ऑफ द कोर एंड आई म्यू इज द मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ आई नॉट। ओके, मैग्नेटाइजिंग कॉम्पोनेंट ऑफ आई नॉट इज आई म्यू, E1 इज द प्राइमरी इंड्यूस्ड EMF, N1 इज द प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न, N2 इज द सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न, E2 इज द इंड्यूस्ड EMF ऑन द सेकेंडरी साइड, R2 इज द वाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंडरी साइड, X2 इज द लीकेज रिएक्टेंस ऑफ द सेकेंडरी साइड। अब I2 इक्वल टू जीरो क्यों है? क्योंकि सेकेंडरी ओपन सर्किट है, मतलब यहां पे कुछ ड्रॉप नहीं रहेगा क्योंकि I2 का वैल्यू जीरो है। सो हम लोग फेजर कैसे ड्रॉ करेंगे इसका, तो देख लेते हैं फेजर डायग्राम। ओके, सो एक प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर जहां पे लीकेज प्राइमरी का लीकेज रिएक्टेंस भी रहेगा, वाइंडिंग रेजिस्टेंस भी रहेगा, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर नो लोड कंडीशन में फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या बोले थे कि एक रेफरेंस फेजर मान लेंगे, फाइव एम को हम लोग रेफरेंस फेजर मान लिया, फाइव एम। ओके, सो इसको हमने फर्स्ट ड्रॉ कर लेंगे। अब 5M के साथ आई म्यू जो कि मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है वो क्या होगा? इन फेज में रहेगा। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट 5M के साथ इन फेज में रहेगा क्योंकि आई म्यू दैट इज द मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ द करंट, इसके वजह से ही फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ था। तो ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट एंड 5M सेम इन फेज में रहेगा।
अब क्या होगा, E1 एंड E2 phi m से 90 डिग्री एंगल में लैग करेगा। क्यों? सो EMF इक्वेशन पे हम लोग पढ़े थे E = Em (sin ωt - π/2) ये वाला जो इक्वेशन था, सो यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि 90 डिग्री लैग करेगा। ओके, इंड्यूस्ड EMF phi m से 90 डिग्री लैग करेगा। सो दैट्स व्हाई यहां पे हम लोग E1 एंड E2, यहां पे हम लोग E1 एंड E2 को ले लिया। E1 एंड E2 का मैग्नीट्यूड डिसाइड होगा नंबर ऑफ टर्न ऑन द प्राइमरी साइड एंड नंबर ऑफ टर्न ऑन द सेकेंडरी साइड के ऊपर। नंबर ऑफ टर्न ऑन द सेकेंडरी साइड अगर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न ऑन द प्राइमरी साइड होगा तब E2 ग्रेटर देन E1 होता है। दैट्स व्हाई E2 का मैग्नीट्यूड यहां पे ग्रेटर किया एंड E1 लेस देन E2, यहां पे E2 ग्रेटर देन E1 होगा। ओके, तो यहां पे हम लोग मान लिए कि सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है। अब हम लोग यहां पे जो सर्किट डायग्राम हमने देखे इसमें हम लोग KVL अप्लाई करेंगे। यहां पे तो KVL अप्लाई करेंगे तो V1 = क्या होगा, V1 = होगा I0R1 + I0X1 + E1, इतना होगा। अब V1 को ड्रॉ करने के लिए इन ये तीनों का फेजर ड्रॉ करना जरूरी है। U1 को ड्रॉ करना पड़ेगा, I0X1 को ड्रॉ करना पड़ेगा, I0X1 को ड्रॉ करना पड़ेगा। सो क्या लिखा, V1 = I0R1 + I0X1 + E1। अब लेंजेस लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, E1 V1 के वजह से प्रोड्यूस हुआ था, मतलब E1 अपोज करेगा V1 को। E1 को इस तरफ ड्रॉ करेंगे -E1। ओके, सो इस E1 का ऑपोजिट तरफ -E1 ड्रॉ करेंगे। अब -E1 के साथ क्या होगा, कोल लॉस जो कंपोनेंट है वो इन फेज में रहता है। -E1 के साथ इन फेज में रहेगा IC, कोल लॉस कंपोनेंट। सो यहां पे मैंने IC को ड्रॉ कर दिया। अब इन IC एंड IMU का रिजल्टेंट फेजर जो होगा वो होगा I0। ओके, I0 ड्रॉ हो गया। अब ये जो I0 है I0R1 ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे, यहां से हम लोग क्या किया, इसका पैरेलल ले लिया, यहां पे ड्रॉ किया। सो यहां से इस तरफ ड्रॉ किया I0R1 को, इसका पैरेलल यहां पे ड्रॉ करेंगे। हो गया, क्लियर। अब उसके बाद I0X1 इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, एक प्योरली इंडक्टिव टर्म है। I0R1 एंड I0X1 दोनों ही वोल्टेज का ही पार्ट है। सो I0R1 को I0X1 क्या करेगा, लीड करेगा 90 डिग्री एंगल पे। यहां से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे एक 90 डिग्री एंगल में इसको ड्रॉ करेंगे, जो इस ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। अब ये टोटल -E1 + I0R1 + I0X1 इसको ऐड करेंगे तो V1 मिलेगा मुझे। सो V1 मिल गया मुझे, यहां से यहां तक इसको हम लोग V1 बोलेंगे। बहुत ही सिंपल है। Φ0 कौन सा है, Φ0 है यहां से यहां तक जो एंगल है इसको हम लोग Φ0 बोलेंगे। Φ0 को हम लोग क्या बोलते हैं, नो लोड फेज एंगल। सो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में हम लोग लीकेज रिएक्टेंस एंड वाइंडिंग रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे। प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर का नो लोड फेजर ऐसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। ओके, थैंक यू।